प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल सरकार ने राहत दी है। राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 23 रुपए प्रति किलो की दर से ग्राहकों को प्याज देने का फैसले को हरी झंडी दे दी है। इसी को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। केजरीवाल ने कहा कि 70 वैन अलग अलग विधानसभा में आज से जाएंगी और लोगों को 23 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज देगी। हम फिलहाल 1 लाख प्याज खरीद रहे हैं, नवरात्रे की वजह से खपत कम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे कहा, क्वालिटी चेक करने के लिए दिल्ली सरकार की 2 टीमें नासिक जा रही हैं, जो दिल्ली में आने वाली प्याज की गुणवत्ता को देखेंगी। तो दिल्ली सरकार कल से प्याज बेचना चालू करेगी मार्केट में 23 रुपए 90 पैसे के हिसाब से। एक बार में एक व्यक्ति को 5 किलो, एक परिवार के लिए 5 किलो प्याज दिए जाएंगे, 5 किलो से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। इसके लिए पूरे दिल्ली में 400 राशन की दुकानें चिन्हित की गई हैं। उन 400 राशन की दुकानों पे और 70 मोबाइल वैन्स के ज़रिए, एक एक विधानसभा में एक एक मोबाइल वैन जाएगी, तो 70 मोबाइल वैन्स के ज़रिए प्याज बेचे जाएंगे। 400 दुकानों का मतलब हो गया कि लगभग 5 से ज़्यादा राशन की दुकानें पर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। इन 400 दुकानों की लिस्ट जो है वो कल अखबार के अंदर सारी पूरी लिस्ट आ जाएगी कि किस दुकान में प्याज बेचे जा रहे हैं। केंद्र सरकार से हम हर रोज़ आने वाले 5 दिनों का भी हमने ऑर्डर जारी किया है, 1 लाख किलो प्याज डेली प्रोक्योर करेंगे केंद्र सरकार से। बता दें कि खुदरा प्याज में 60 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज की बिक्री हो रही है। ऐसे में केजरीवाल सरकार का कहना है कि वो दिल्ली के लोगों को महंगाई से राहत दे रहे हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी प्रमुख मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर प्याज की कालाबाजारी पर रोक लगाने में नाकामी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र दिल्ली सरकार को 15.60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज दे रहा है, ताकि शहर के लोगों को प्याज की बड़ी कीमतों की आंच नहीं झेलनी पड़े। हालांकि दिल्ली सरकार ने 23 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर प्याज बेचने का फैसला किया है, जिसका मतलब है कि वो मुनाफा कमाने का प्रयास कर रही है।